कोलकाता में आपका स्वागत है। पूरे देश में चुनाव का माहौल बना हुआ है, वहीं अगर महाराष्ट्र मुंबई की बात करें तो समाजवादी पार्टी और जिस तरह से बसपा का गठबंधन हुआ, इसका रंग यहाँ पे भी काफी अच्छी तरीके से नजर आ रहा है। हमारे साथ सुभाष पासी जी इस समय मौजूद है, उत्तर पश्चिम से वो प्रत्याशी है, तो किस तरह से जीत की तैयारी में लगे और क्या लग रहा है गठबंधन कितना रंग दिखा पाएगा, और जिस तरह से यूपी में एक भारी वोटों के साथ आप एक जीत लेकर आए थे, क्या वो मुंबई में भी देखने को मिलेगा? देखिए, मुंबई मेरा कर्मभूमि है और मुंबई का हर गली, हर मोहल्ला, हर सड़क और हर क्षेत्र से मैं वाकिफ हूँ। यहाँ का मैं जिला अध्यक्ष रह चुका हूँ 10 साल। हर कार्यकर्ता, हर पार्टी के हर लोगों को मैं जानता हूँ, किसकी मानसिकता कहाँ है, कौन सी पार्टी कितना कदम चलेगी उसका अंदाज़ा मुझे पहले से लग सकता है कि ये क्या करने वाले हैं। वो 2 कदम चलेंगे तो मैं उनसे 4 कदम आगे चलने की ताकत रखता हूँ। और दूसरी बात ये है, रही बात चुनाव की, तो चुनाव तो मैं इंजॉय करके लड़ रहा हूँ। नतीजा जो भी होगा, लोग परेशान हैं लेकिन सुभाष पासी परेशान नहीं है। सुभाष पासी बंबई शहर से जाके उत्तर प्रदेश में झंडा गाड़ सकता है, तो ये तो मेरा घर है। और जो जिस तरह से महागठबंधन उत्तर प्रदेश में, मैंने कहा था, आज भी आप भी लिख लीजिएगा, 55 से 60 सीट महागठबंधन जीत रहा है उत्तर प्रदेश में, और उसी का प्रत्याशी सुभाष पासी यहाँ है। नतीजा जो भी होगा, सरकार महागठबंधन के बिना नहीं बनेगी। बहन मायावती, अखिलेश जी, तेजस्वी जी और ममता जी, ये जो 4 लोगों की जो चाबी है, इनके मर्जी के बिना दिल्ली की सरकार नहीं बनेगी। इनके मर्जी से जब दिल्ली की सरकार बनेगी तो उत्तर पश्चिम जिला का सुभाष पासी विकास वैसे ही कराएगा। तो सुभाष पासी जी, जिस तरह से आपने कहा कि आप लोग परेशान है लेकिन आप इंजॉय करने आए हैं यहाँ पर, तो क्या आप सबको परेशान करने आए हैं यहाँ पर? मैं परेशान मतलब चुनाव में, चुनाव के ढंग से मेरे घर में लड़ रहा हूँ ना, मैं कहीं और नहीं जा रहा हूँ। घर में लड़ रहे हैं उत्तर भाव, जिस तरह से उत्तर प्रदेश, अगर उत्तर प्रदेश के लोगों की, जनता की बात करें, उनके दिल में आपने जगह बनाई है, लेकिन जब महाराष्ट्र और मुंबई की बात आती है और उत्तर पश्चिम की बात आती है, तो यहाँ पर मराठी, गुजराती बहुत सारे लोग हैं, तो उनके दिल में जगह बनाने की किस तरह से आपकी तैयारी होगी? देखिए, महाराष्ट्र में हर कास्ट के लोग रहते हैं और हर कास्ट के लोगों से मेरे अच्छे संबंध हैं। आज 30-35 साल मैंने यहाँ राजनीति किया है और हर इंसान के लिए सुख दुख में मैं हूँ। 25 साल मैंने यहाँ सेवा की है, तो खाली मैं उत्तर भारतीयों के लिए सेवा नहीं, सबके लिए किया है। आज चाहे गणपति दर्शन स्पर्धा हो, चाहे गणेश पूजा हो, चाहे छठ पूजा हो, चाहे ईद हो या बकरीद हो, सुभाष पासी हर एक आदमी के सुख दुख में रहता है और उनकी समस्याओं का समाधान के लिए लड़ाई लड़ता है। मेरा भाई हमारे बीच में नहीं है, वो बहुत बड़ा केबल चलाता था, हर आदमी काशी पासी को जानता है और सुभाष पासी भी एक नाम अनजाना नहीं है कि कोई ऊपर से आके टपका है। सुभाष पासी को लोग जानते हैं और ये जानते हैं कि सुभाष पासी जमीन से उठा हुआ इंसान है। झंडा, बैनर, पोस्टर, रेल, इलेक्ट्रिक के पोल पे खड़ा होकर के, चढ़ करके बैनर लगाने वाला ये लड़का है, जिसकी माँ यहाँ पे लोगों के घरों में बर्तन मांजती थी। म्यूनसिपालिटी स्कूल में सुभाष पासी पढ़ा है। 9 जून से लेकर 17 जून तक 7वीं क्लास में सुभाष पासी गया था, तो सुभाष पासी के पैरों में चप्पल नहीं था। जब टीचर डे के दिन मुझे हेडमास्टर बनाया गया तो मेरे को पहनने के लिए फुल पैंट नहीं था। मेरी माँ एक मुस्लिम के घर में, यासीन के घर से फुल पैंट ला के दी, तो मैं पहन करके टीचर बना हूँ। मैं वो गरीबी और उन लोगों का दिन मैंने देखा है। जो लोगों की गरीबी देखता है, लोगों के बीच में रहता है, वो आदमी लोगों के दुख दर्द को समझता है। तो मैं इनकी हर उस चीज़ों को बारीकी से मैं लेता हूँ। एक छोटा सा कार्यकर्ता भी मुझे सजेशन देता है तो मैं उसकी बात को समझता हूँ। एक चाय वाला बेचने वाला इंसान देश का प्रधानमंत्री बन सकता है, जिसकी माँ बर्तन मांज करके अपने बेटे का पेट पाल करके बड़ा करती है, तो वो आदमी जिसे कारपोरेशन के लायक समझा नहीं गया, वो आदमी आज सांसदी के लिए आपके बीच में खड़ा है, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी जीत है। ये मेरी जीत तो वैसे ही हो गई है। जो लोग मुझे कारपोरेशन का टिकट नहीं दे रहे थे, आज वो कह रहे हैं कि ये हमें हराने के लिए खड़ा है। अरे मैं मेरे पार्टी के लिए खड़ा हूँ, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी और बहन मायावती जी ने मुझे खड़ा किया है। मैं आपका वोट काट रहा हूँ, तुम मेरा वोट काट रहे हो, तुम्हें डर है कि तुम हारोगे। सुभाष पासी जीत रहा है इसलिए तुम्हें डर है। तो मैं लोगों के दिलों में राज करना चाहता हूँ, लोगों की उन हर छोटी छोटी चीजें जो उनकी रोजमर्रा की जिंदगी में आती है, उसके लिए लड़ाई लड़ूंगा। मैं सुनील दत्त जी का सिपाही हूँ, उनके साथ बुलडोजर के नीचे लेटा हूँ, तो हर गरीब के लिए जान की बाजी लगाऊंगा और उनके हक की लड़ाई लड़ूंगा। आप
आपकी जितनी भी सभाएं हो रही हैं, जो वहाँ पर हजारों की संख्या में जनता पहुंच रही है, जनता एक उम्मीद से आपकी सभा में पहुंच रही है, आपसे उन्होंने एक उम्मीद लगाई होगी, तो किन मुद्दों के साथ और उनकी जो सोच होगी उस पर खड़े उतरने के लिए कितने तैयार है? अगर जनता आपको चुन ली तो आप उस पर खड़े उतरेंगे? 100% खड़े उतरेंगे। जब उत्तर प्रदेश की जनता ने मुझे चुना और मात्र मैं 10 दिन प्रचार करके 11 गाँव में मैं जीत के आया, तो जनता का यदि मैं काम नहीं किया होता तो जनता मुझे चुनती? जो मोदी की लहर थी, 235 विधायक में 46 विधायक जीते, उसमें सुभाष पासी एक जीता है, तो जनता का मैंने काम किया है। 12,000 हैंडपंप मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में मैंने लगाया है, 973 लोगों की डेड बॉडी बम्बई शहर से मैंने भेजा है, चाहे वो किसी भी जात धर्म के हैं, हजारों लोगों को, कैंसर पीड़ित लोगों को अस्पताल में ले जाकर के भर्ती करवा के उनके काम करवाने का काम करता हूँ। धन्यवाद देता हूँ बहन प्रिया दत्त को और स्वर्गीय सुनील दत्त जी को, जो कैंसर का अस्पताल के लिए उन्होंने जो मशीनें दी है। मेरा फाउंडेशन नरगिस दत्त से जुड़ा है, उसके तहत हर बेचारे भाई को जो यहाँ आते हैं, आज भी 4 लोग गए थे, कल मैंने प्रिया दत्त जी से बात किया था, एक आदमी का अमेरिका में ब्रेन ट्यूमर का ऑपरेशन हुआ, उसको कीमो कराना है, कल दीदी से मैंने हाथ जोड़ के गुजारिश की कि दीदी उसका नहीं होगा, तो दीदी ने बात किया, कल वो आदमी जा रहा है। तो मैं लोगों का काम करता हूँ, हर दुखिया का काम करता हूँ, चाहे वो सब्जी बेचने वाला हो, दूध बेचने वाला हो, केला बेचने वाला हो, मिल मजदूर हो, या रिक्शा चलाता हो, टैक्सी चलाता हो, हर वो मेरा भाई है और उस भाई के लिए मैं हमेशा खड़ा रहूंगा। तो जनता के बीच अखिलेश जी या मायावती जी आएंगे आपके साथ सभा के लिए आपके पक्ष में? देखिए, उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ा महासंग्राम चल रहा है, यदि आ गए तो सोने पे सुहागा है, नहीं आ गए तो उनका आशीर्वाद है, उनका संदेश है। बहन मायावती जी का खाली फरमान हो जाए तो उनके लोग सारे वोट ट्रांसफर कर देते हैं, बहन मायावती की जरूरत नहीं है उनके लोगों को, वो कार्यकर्ता कमिटेड हैं। 1,25,00,000 वोट खाली मेरे उन बसपा के भाइयों का है, जिसमें से 80% वोट गिरेगा तो 70-80 हज़ार वोट तो मेरा वो है। 2009 में अबू हाशिमी जी 85,000 वोट लिए थे, तो 1.5-2 लाख तो ये वोट हो गया, 2.5-3 लाख वोट मुझे चाहिए जीतने के लिए, वो जनता मुझे दे देगी। जिस तरह से आपने देखा, आपने बहुत सारे नेताओं के साथ हमने बात की है, आपने सुना होगा, लेकिन सुभाष पासी जी की अगर हम बात करें तो वो चुनाव लड़ने के लिए एंजॉय के साथ लोगों के बीच आए हैं और वो अपनी जीत को पक्की समझकर जनता के बीच में है, और वो चाहे उत्तर भारतीय हो, मराठी हो, गुजराती हो, हर किसी के दिल में जगह बनाना जानते हैं, इस बात को उन्होंने कहा है। तो हम आगे देखेंगे किस तरह से सुभाष पासी जी जनता के बीच में रहते हैं और किस तरह से आगे उनकी रैली और सभा की होती है। बस खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए सक्षम न्यूज इंडिया के साथ, कैमरामैन राम मिश्रा के साथ मैं शालिनी सिंह, मुंबई। से अधिक मात्रा में इस उत्तर पश्चिम जिले में जिस लोकसभा सीट से आदरणीय सुभाष पासी जी लड़ रहे हैं, तकरीबन 17 लाख वोटर हैं, जिसमें 4.5 से 5 लाख उत्तर भारतीय हैं। आज तक हमारे पास ऐसा कोई प्रत्याशी नहीं था जिसे सारे उत्तर भारतीय पूरी दमखम के साथ सपोर्ट करके जिताएं। इस समय गठबंधन की लहर पूरे हिंदुस्तान में है, मायावती और अखिलेश यादव की चर्चा हिंदुस्तान के सभी नेता कर रहे हैं। ऐसे में उत्तर पश्चिम लोकसभा सीट से सुभाष पासी को जिताना बहुत बड़ा मुश्किल काम नहीं है। सारे उत्तर भारतीयों ने ठान लिया है, सुभाष पासी को यहाँ से जिताकर दिल्ली भेजेंगे। आप देख रहे हैं सक्षम न्यूज इंडिया, सबसे पहले सबसे तेज।